सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दां था, तो दूसरी जानिब यहूदी फलस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फहम व फरासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुकद्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेजों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। अब्दुल हमीद ने यह तय कर लिया है कि वो फर्नांडिस से महसूल की फौरी अदायगी का सख्त मुतालबा करेगा, जबकि फर्नांडिस इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। क्या वो वाजिबुल अदा महसूल के मामले से बाखबर हैं? अगर हाँ तो गद्दार पाशा ज़ुल्फ़ुल इस्माइल पाशा नहीं है। मेरे पास कोई और चारा नहीं है, मेरे जिम्मे महसूल है, मुझे सुल्तान मुअज़्ज़म की पेशकश कबूल करनी होगी। सुल्तान मुअज़्ज़म फर्नांडिस महसूल के मामले के बारे में जानता है और उसने कारखाना फरोख करने का फैसला किया है। इस्माइल पाशा फरार हो गए हैं। तो क्या महसन इजलास में इस्माइल पाशा ने शिरकत की थी? हमारे सब्र का पैमाना अभी लबरेज नहीं हुआ, लेकिन किसी में वफादारी का एक जर्रा भी नहीं रहा। तुम इंजीनियर आर्तिन साहब का हिसाब दोगे? राहदारी में आप ये अपने महसूल की अदायगी की सनद गिराए थे। अब जबकि मेरा महसूल अदा हो चुका है तो मैं कारखाना फरोख करने का इरादा तक करता हूँ। इनकी नब्ज़ बहुत आहिस्ता चल रही है, लेकिन हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। उस शख्स के हाथ में जो अखबार था वो जहर आलू था, उसे वो अखबार कहां से मिला, किसने दिया? अहमद पाशा। अहमद पाशा, जी हाँ, अहमद पाशा। कोई मसला हुआ है? कातिब जवाद साहब को हलाक कर दिया गया है। हमने बग्गी में मौजूद लाश की तहकीक करवाई है। उस बग्गी में सिर्फ हैकलर सवार था, जिस्म मुकम्मल तौर पर झुलस गया है। जी कहिए जनाब। जवाद साहब की दस्तावेजात कहाँ हैं? उनकी तमाम दस्तावेजात और उनका बस्ता अदालत में ले जाया गया है। कब लेकर गए वो? थोड़ी देर पहले। फातिमा आपको अपनी बहन की हालत का जिम्मेदार समझती हैं वालिदा। वो तो अपने बाबा की हालत का जिम्मेदार भी हमें ही ठहराती है नाइमे, बल्कि वो अपने हर मामले में हमें और सुल्तान मुअज़्ज़म को इल्ज़ाम देती हैं। उनकी आंखों में एक शिकायत है नाइमे। हम ये सोचते हैं कि अगर वो हमें समझती तो आज सूरतेहाल कितनी मुख्तलिफ होती, लेकिन उनके अंदर तारीकी रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। फिर हम क्या करेंगे? हम एहतियात करेंगे। आपने मुझे बुलाया सुल्ताना? जी हानदान, आज तक हमने आपको जो फराइज सौंपे वो आपने बखूबी निभाए। आप हमेशा हमारे साथ वफादार रही हैं। बहुत शुक्रिया सुल्ताना। हम आपको एक और फर्ज दे रहे हैं। हुक्म कीजिए। अब आप फातिमा सुल्तान का साया बन जाएंगी, उन पे हमेशा नजर रखेंगी। वो क्या करती हैं, कहाँ जाती हैं, किससे मिलती हैं,
हम चाहते हैं कि आप हमें इस सब की खबर दें। हमें फौरन इसका हल तलाश करना होगा तहसीन पाशा। कहिए बेटा। महमूद पाशा, तहसीन पाशा। जी बेटा। मुझे मालूम हुआ है कि कातिब जवाद साहब को मार दिया गया है और इसके मुतालिक तहकीकात जारी हैं। मैं इस बारे में कुछ जानता हूँ। उसने मरने से पहले खत लिखकर बस्ते में रख दिया था। उसने कहा था कि अगर उसे कुछ हो गया तो खत में उसकी वजह है। क्या? मेरे ख्याल में ये उस पाशा का नाम है, लेकिन सिपाहियों ने वो बस्ता अदालत में भेज दिया है। तहसीन पाशा, शायद इन तमाम मामलात का हल उस बस्ते में है। यानी कातिब जवाद साहब कुछ जानते थे, ये बात अब वाज़े है। आप ठीक कह रहे हैं महमूद पाशा। सिपाही, इसी वक्त कमरा अदालत चाहिए। वहां जाकर तलाश करें, जवाद साहब का एक बस्ता रखा है, वो बस्ता फौरन लेकर आए यहाँ। जो आपका हुक्म पाशा। आप जा सकते हैं बेटा, जाइए। जनाब कातिब साहब, पिछली बार मैंने कहा था कि मुझे ढूंढिएगा। शायद मैंने अपना तारुफ अच्छी तरह करवाया था आपको। आपके कुछ दावे थे, मैंने आपके कई दावों पर बगैर सबूत यकीन किया, लेकिन मैं गैर यकीनी चीजों के बारे में ख्वाब नहीं देखता, इसलिए मजीद अपना वक्त बर्बाद मत कीजिए जनाब का रसू। बहुत सी चीजें हैं जो आप नहीं देख सकते तलत साहब। मसलन, क्या आप ममनुआ अखबारात को तकसीम करके कामयाब हो सकते हैं जिन्हें आप खुफिया दराजों में छुपाते हैं? अपने ख्यालात को लोगों तक पहुंचाना, आपने इन मुश्किलात पर काबू पाने के लिए क्या सोचा है? मैं आपको एक बड़ा राज बताऊंगा। आप इस वक्त मैसन तंजीम की अतालवी मशरकी तंजीम के सरबराह से बात कर रहे हैं दलत साहब। मैं आपसे उन मराहत का वादा करता हूं जो आपकी रियासत आपको नहीं दे सकती। मैं आपको अपनी आजादी की तहरीक मैसन तंजीम के साथ मिलकर चलने और काम करने की पेशकश करता हूं दलत साहब। अगर आप डाकखाने के बारे में कोई बात करना चाहते हैं तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं, वरना मुझे अपने काम पर तवज्जो देने की जरूरत है। आइए। सुल्ताने मौज़म, यह एक संगीन हादसा है, लेकिन हम सब इसकी वजह जानना चाहते हैं। क्या आपने ये इसलिए करवाया क्योंकि आप हैकलर साहब की रिहाई से खुश नहीं हैं? तो क्या आप इस बात से खुश हैं सफीर साहब के हैकलर को आपके कत्ल की मंसूबाबंदी की वजह से कैद किया गया था, फिर उसे रिहा कर दिया गया? क्या आपकी खुशी का बाइस यही बात है? यह मेरी रियासत की सियासत है, बहस नहीं कर सकता। और रियासत ने बर्तानिया और ऑस्ट्रिया के नुमाइंदों के साथ मुझे तहकीकात का हुक्म दिया है, मैं इसलिए यहां आया हूं। धमाके का हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि धमाका महल में हुआ था, आप इसे कैसे रद्द कर सकते हैं? मसला यही तो है, वो ये सब करके हमें मुर्द इल्जाम ठहराना चाहते हैं। आप हमें यह बताइए कि हैकलर एक ईसाई से हुनी थे, क्या आप उनकी तदफीन ईसाई तरीके से करेंगे या फिर यहूदी रस्म और रिवाज के मुताबिक? वो हमारे लिए एक ईसाई थे, हम ईसाई रस्म और रिवाज के मुताबिक तदफीन करेंगे, मगर इससे पहले उनकी दियत की अदायगी को यकीनी बनाया जाएगा। हैकलर साहब एक सफीर थे और आप एक सफीर के कत्ल के मुर्तकिब हुए हैं। ये जंग को दावत देना है। अगर आप अपने मुल्क को जंग में नहीं झोंकना चाहते तो बरतानिया के दरवाजे मुज़ाकरात के लिए खुले हैं सुल्तान मौज़म, मैं यही बताने के लिए यहाँ हाजिर हुआ हूँ। मौजू हम बताते हैं आपको, आप ये चाहते हैं कि हम अकाबा से दस्तबरदार हो जाएं। बदले में मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हैकलर साहब के सफीर होने का ऐलान नहीं किया जाएगा,
अभी तक कोई नहीं जानता। बरतानवी बादशाह ने अभी इसकी मंजूरी नहीं दी, लेकिन पुरानी तारीख के साथ दस्तावेजात फौरी तौर पर बरतानिया भेजी जा सकती हैं। जब दस्तावेजात पर कार्रवाई की जाएगी तो लॉर्ड चैम्बर्स ये जान जाएंगे कि एक सफीर को मार दिया गया है। इस सूरत हाल में बरतानिया के पास जंग के सिवा कोई भी चारा मौजूद नहीं होगा। मगर इससे निकलने का मैं आपको एक हल पेश करता हूं। अकाबा से 10 बर्दारी की सूरत में इस दस्तावेज को तल्फ कर देंगे हम। सुल्तान मौसम, ये एक माकूल पेशकश है। हम आपसे थोड़ा वक्त चाहते हैं, ये फैसला फौरी तौर पर नहीं हो सकता। मेरे ख्याल में ये एक माकूल मुतालबा है। आप अकाबा में रेलवे तामीर से दस्तबरदार हो जाएं और हम आपसे दियत के मुतालबे से दस्तबरदार हो जाएंगे। आइंदा कभी भी गैर मुल्कियों के सामने अपने ख्यालात का इजहार मत कीजिएगा वजीर आजम साहब। मैं माफी चाहता हूं। कातिब तलत साहब ने हमारी पेशकश कबूल नहीं की। इस आदमी की इतनी परवाह क्यों है आपको? वो सिर्फ एक कातिब है। आपको या हमें इस तरह के आदमी से क्या काम? अभी हम जख्मी हैं सबाहुद्दीन, जबकि वो एक जोशीला नौजवान है। हम आजादी के अलावा और भी बहुत सी चीजें चाहते हैं, लेकिन वो सिर्फ आजादी चाहता है। तलत बहुत जहीन और दयानतदार है। तलत और उस जैसे लोगों के ख्यालात बहुत मुख्तलिफ हैं। उनका मसला दरअसल अब्दुल हमीद से है, रियासत से नहीं। हम पे कोई भी यकीन नहीं करेगा, लेकिन ये नौजवान चाहे तो अपने आसपास सिपाहियों और सरकारी शख्सियात पे मुश्तमिल एक फौज तैयार कर सकता है। ठीक है, कैसे कायल करेंगे आप उसे? मैं नहीं, आप उसे कायल करेंगे। कैसे? तलत के बारे में सिपाहियों को इत्तला करें कि उसके कमरे की तलाशी लें। मुझे यकीन है कि उसके कमरे में बहुत सी ममनुआ इशाअतें मौजूद हैं। अगर वो ऐसे मवाद के साथ पकड़ा गया तो बुरी तरह फंस जाएगा, और वो ऐसा हरगिज नहीं चाहेगा। बादशाह हजरत, हमने अकाबा में रेलवे तामीर के हवाले से एक इकदाम किया, लेकिन अंदर से फराहम करदा मालूमात की मदद से हमारे कारखाने धमाके से उड़ा दिए गए। उसके बाद हम फर्नांडिस साहब का रेलवे कारखाना खरीदना चाहते थे। उन पर महसूल वाजिब अदा था, हम उसका फायदा उठाते हुए वो कारखाना हासिल कर सकते थे, लेकिन दोबारा अंदर से फराहम की गई मालूमात की वजह से हम ऐसा नहीं कर सके। समझने से कासिर हूं मैं, कोई पाशा आखिर ये काम कैसे कर सकता है सुल्तान मौसम? शायद अपने किए गए वादे की वजह से पाशा, अपने भाई से किया गया वादा जुल्फुल इस्माइल पाशा महल से फरार हुए और शायद उन्होंने ही ये राज अफशा कर दिया। सुल्तान मुअज्जम, हो सकता है कि वो अपने भाई मुराद साहब से किया गया वादा निभा रहे हो। अहम मालूमात अफशा होती हैं। फर्नांडिस का महसूल हेकलर अदा करता है, इससे वाजह होता है कि हेकलर किस तरह रूसी कैद से आजाद होकर बाहर आया था। वो कैसे बच गया सुल्तान मौसम? सरमाए के बलबूते पर। हेकलर को यहां आने से पहले हमारे खिलाफ इकदाम करने के लिए आलमी सरमायाकारों की तरफ से बहुत बड़ी रकम फराहम की गई थी, और वो रकम इतनी बड़ी है कि जिस किसी को भी हासिल हो गई वो किसी भी मुल्क को अपना असीर बना सकता है। तहसीन पाशा, बैंक में हेगलर के खातों की तहकीकात करवाइए। सुल्तान मौसम, हमारी मुखालिफ ताकत यानी मैसन तंजीम, क्या उनके पास सरमाया नहीं? समझ से बाहर है। अगर वो इस कदर ताकतवर हैं तो उन्हें सरमाए के लिए हेकलर से मदद की जरूरत क्यों है? मैसन ताकत के पुजारी हैं पाशा, यही ताकत उनके भाईचारे को कायम रखे हुए है।
जब हमने पाए तख्त में मेसन तंजीम को कल अदम करार दिया तो यहाँ कायम अजीम प्रदोस तंजीम भी खत्म हो गई। अगरचे सल्तनत उस्मानिया में मेसन मौजूद थे लेकिन वो मुनज्जम नहीं थे। चूंकि उनके पास कोई बड़ा मरकज नहीं था इसलिए उन्हें बाहर से कोई मदद नहीं मिल सकती थी। हमने उन लोगों पर भी कारी जर्ब लगाई जिन्हें बाहर से मदद की एहतियाज नहीं थी और अकाबा में कार्रवाई ने तमाम गैर मुल्की सरमायाकारों को मुतासर किया। लेकिन अब उनके गुमशुदा अरकान ने अपनी शमूलियत से एक बड़े मरकज और आला शूरा के क्याम के तकाजे पूरे कर दिए हैं। अहमद जलालुद्दीन पाशा हेकलर के जनाजे में शिरकत करेंगे और देखें कि वहां कोई गैर मामूली चीज होती है या नहीं। आपको किस चीज का शुबा है? हमने हेकलर को नहीं मारा पाशा, और वो इतनी बड़ी माली ताकत रखने वाले किसी शख्स को नहीं मार सकते। मामला यकीनन कुछ और है। अब्दुल हमीद को मारने के लिए आज तक हमने जो भी इकदाम किए हैं उसका नतीजा अच्छा निकला है। कताब लाली ने मुझे इसके बारे में बताया लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसको हम कैसे सर अंजाम देंगे। ठीक है, ये काम सुनने में काफी आसान लगता है और ये भी सच बात है कि हमने बहुत से लोगों को आसानी से मारा है, लेकिन सुल्तान को मारना बिल्कुल अलग बात है। और जिस सुल्तान की हम लोग बात कर रहे हैं वो सुल्तान अब्दुल हमीद है तो ये और भी मुश्किल है। ये सच है कि सुल्तान अब्दुल हमीद का कत्ल वाकई एक मुश्किल काम है, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन जब ये हो जाएगा तो मुश्किल नहीं लगेगा। मेरे हुक्म पर अब्दुल हमीद की लाश मेरे सामने होगी। आप कैसे उस सुल्तान को मार सकते हैं जो अपने महल से बाहर ही नहीं निकलता? मैं एक बम बनाऊंगा जो उसके महल की दीवारों को भी तबाह कर देगा। लेकिन पहले हमें आदमियों की जरूरत है। अभी हमारे पास जितने आदमी हैं उनसे 10-15 गुना ज्यादा आदमी होने चाहिए। इसलिए ऐसे लोगों को अपने साथ शामिल करो जिनके हाथ इस शहर में मजबूत हों। सरकारी कारिंदे, अफसरान, बागी लोग सब उनके लिए काम करते हों और हम उनकी हिफाजत करेंगे। हम उन लोगों को अपने कारखाने में पनाह देंगे, उन्हें छुपा देंगे और उसके बाद जब हम अब्दुल हमीद को मारेंगे तब हमारी फौज उन लोगों के सामने आएगी और हम पाए तख्त को जहन्नम बना देंगे। हम ये करेंगे। जनाब फर्नांडिस, जब यह हादसा हुआ तो आप वहां मौजूद थे, ये सब कैसे हुआ और सुल्तान ने आखिर ऐसा क्यों किया? क्या ये सोचने की जरूरत है? हेकलर ने सुल्तान के सारे निजाम को धर्म भरम कर दिया है। अब्दुल हमीद कारखाना नहीं खरीद सका इसलिए उसने हेकलर से बदला लिया और बस। मुझे सियासी मामलात में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं। जनाब है, कोई बंदा खुद अपने जनाजे में शरीक नहीं होता। आपकी आखिरी रसूमात शुरू होने वाली। हाँ देख रहा हूँ मैं, लेकिन समझ में नहीं आया ये किस किस्म का खेल खेल रहे हैं मेरे साथ। मैंने आपको जिंदान से बाहर निकालकर अब्दुल हमीद को पहला धचका लगाया, फिर हमने उसके कारखाने तबाह कर दिए और जब वो फर्नांडिस से कारखाना खरीदने वाला था तो हमने आपके साथ मिलकर रोक लिया। अब अब्दुल हमीद एक सफीर के कत्ल की कीमत अदा करेगा। लेकिन मेरी मौत से अब्दुल हमीद को कैसे चोट पहुंचेगी? आप एक सफीर हैं जनाब हेकलर। आप बर्तानिया को मंसूबा बंदी का मौका फराहम कर रहे हैं। जबरदस्त। हाँ, बर्तानवी सफीर को तुर्क सुल्तान ने हलाक कर दिया, अब अकाबा इकदाम से पीछे हटने पर मजबूर है। बेहतरीन, आप बर्तानिया का फायदा कर रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपका फर्नांडिस के बारे में क्या ख्याल है? आप चाहते थे कि मैं उसकी हिफाजत करूं लेकिन अब वो पाए तख्त में बिल्कुल तन्हा है। हम हमेशा जनाब फर्नांडिस के साथ रहेंगे। हम नहीं चाहते कि रियासत और उसके ताल्लुकात खराब हों। कारखाने को बिकना नहीं चाहिए था, हमने ऐसा ही किया। अब अब्दुल हमीद और फर्नांडिस के खिलाफ कोई दुश्मनी नहीं होगी और उनके मरासिम भी ठीक रहेंगे। खूब, अगर इजाजत हो तो एक सवाल पूछ सकता हूँ मैं? जरूर। इस नकाब के पीछे कौन है? कैसी ताकत है ये? अगर मुझे ये जाहिर करना होता तो नकाब हरगिज़ न पहनता। हाँ ये तो है,
बस ये जान लें कि मैं अब्दुल हमीद के करीब तरीन पाशा हजरात में से एक हूं। ठीक है, आप थोड़ी देर यहां रुकेंगे। रुकिए, कुछ और भी कहना है। मुझे रूसी कैदखाने में भी अखबार से महरूम नहीं रखा गया था, उम्मीद है कि यहां भी मुझे अखबार मुहैया किया जाएगा। बिल्कुल, शुक्रिया। सुल्तान मौसम, मैंने आपके हुक्म पर जनाब हेकलर के खातों की जांच की है। क्या मालूम हुआ? उनके पास बहुत दौलत है सुल्तान मौसम। यानी हेकलर मरा नहीं है पाशा, वो इतने दौलतमंद आदमी को कभी नहीं मारेंगे। क्या अभी भी ये रकम उसके खाते में है? जी सुल्तान मौसम, वो उसे रकम हासिल करने से पहले नहीं मारेंगे। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं सुल्तान मौसम। हेकलर को बजाहिर उन्होंने मार डाला और हमें बर्तानिया के मुकाबले खड़ा करने के लिए एक साजिश तैयार की। इस तरह उन्होंने बर्तानिया को हमारे खिलाफ इकदाम उठाने का मौका फराहम किया। सुल्तान मौसम, क्या बर्तानिया जानता है कि जनाब हेकलर जिंदा है? हमें नहीं लगता कि वो जानते हैं। लेकिन हम ये कैसे साबित करेंगे कि जनाब हेकलर मरे नहीं जिंदा है? क्योंकि जब तक जनाब हेकलर जाहिर नहीं होंगे तब तक बर्तानिया हम पर दबाव डालता रहेगा। देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं तहसीन पाशा। हम ये साबित करेंगे कि वो आदमी हेकलर मरा नहीं बल्कि जिंदा है। हम इसे साबित करेंगे, कोई और नहीं, हम ही ये साबित करेंगे। इंशाअल्लाह सुल्तान मौसम। आलिया, हमारी प्यारी बहन, शुक्र है खुदा का आपने आंखें तो खोली। हमें डर था कि कहीं हम आपको खो ना दें। आपको डरने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ नहीं होगा। क्या मतलब है इस बात का? मतलब आपको और इस जगह को छोड़कर नहीं जाएंगे हम, फिक्र ना करें। वादा करें अब आप दोबारा कभी नहीं रोएंगी, ना ही कभी गमगीन होंगी। समझ गई ना आप हमारी बात? आपने जो सोचा वो गलत था। हमारे चचा का हमें बुलाने का मकसद हमसे छुटकारा पाना नहीं था। फिर क्या था? बाबा का सामान जो आपने फरोख्त किया था वो उन्होंने खरीद लिया और हमारे हवाले कर दिया। वाकई में? जी बिल्कुल, उसे हमने अपने कमरे में रखा है लेकिन देखने का मौका नहीं मिल सका क्योंकि हम आपके लिए फिक्रमंद थे। देखा आपने, हमारे चचा जान को हमारी कितनी फिक्र है उन्हें। हमारी नहीं, वो अपने बारे में सोचते हैं और अपने जमीर की खलिश से निजात पाना चाहते हैं। वो जो कुछ करते हैं अपने लिए करते हैं, लेकिन हर एक को वो ही मिलेगा जिसका वो हकदार है। क्या अब हम घर जाएंगे? क्यों, क्या आप बाहर रहकर खुश नहीं है? जब तक आप मेरे साथ हैं मैं हर जगह खुश हूँ शहजादे, लेकिन मुझे अंदेशा है कोई हमें देख लेगा। आप किससे खौफजदा हैं? बेदार सुल्तान से। अगर उन्हें इल्म हो गया कि मैं बुरसा नहीं गई और पाया तख्त में आपसे खुफिया तौर पर मिल रही हूँ तो मुझे बहुत शर्मिंदगी होगी। वालिदा खुद अपनी वजह से इन हालात से गुजर रही हैं, वो जल्द ठीक हो जाएंगी, और अगर ऐसा ना भी हुआ तब भी हमारे दरमियान कुछ नहीं बदलेगा। मैं बेदार सुल्तान की इजाजत के बगैर शादी नहीं करना चाहती। लुत्फंदोज़ों, ना मैं और ना ही आप उनकी सोच को बदल सकते हैं। उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। क्या देख रहे हो, बातें सुन रहे हो? मैं बस इधर उधर देख रहा हूँ। अच्छा तो वो तुम हो, दफा हो जाओ, जाओ यहाँ से। आप मुझे जाने के लिए नहीं कह सकते। जिसने तुम्हें भेजा है उनसे कहना कि हमें तनहा छोड़ दे। क्या आप झगड़ा करना चाहते हैं? कादर रुक जाइए,
रुको, अभी बताता हूँ। सुल्तान मौसम, हेकलर की आखिरी रसूमात में ऐसा कुछ नहीं हुआ जो मेरी तवज्जो हासिल करता। झुलसा हुआ जिस्म ताबूत में बंद था। जनाजे में कौन कौन शरीक था? पाया तख्त के सरमायाकार, वजीर और सफीर। सुल्तान मौसम, मरने वाला कातिब अपनी मौत से पहले अपने दोस्त के पास इस बस्ते को छोड़ गया था। सुल्तान मौसम, क्या है इसमें? सुल्तान मौसम, उसने एक कागज पर गद्दार पाशा का नाम लिखकर इस बस्ते में रख दिया था। इस पर एक खुफिया अदद लगा हुआ है, लेकिन हम वो अदद जानते हैं। जल्दी खोलिए उसे पाशा। ये मालियत से मुतालिक सरकारी दस्तावेजात हैं। अच्छी तरह देखें पाशा। सुल्तान मौज़म, इसमें वो नहीं है जो हम ढूंढ रहे हैं, लेकिन ये हैरत की बात है कि ये दस्तावेजात इस बक्से में रखे गए हैं। सुल्तान मौज़म, तो ये वो नहीं है जो उसने छोड़ा था? क्या हम इन दस्तावेजात से मालूम कर सकते हैं कि ये किसका है? नहीं सुल्तान मौज़म, ये दस्तावेजात बिल्कुल आम नहीं है, ये किसी के पास भी हो सकती है। एक कातिब का कहना कि वो पाशा का नाम जानता है, वो सोचता है कि उसकी जान को खतरा है, लिहाजा वो एक तहरीर छोड़ देता है, फिर वो कातिब महल में ही मर जाता है। ये रियासत सदियों से हर तरफ से हमलों के खिलाफ डटी रही है और तबाह नहीं हुई, सलामत रही है। लेकिन अगर ये रियासत तबाह होती है तो इसकी वजह इसके अंदर के अहमक होंगे। अहमद जलालुद्दीन पाशा, हुक्म कीजिए। जुल्फुल इस्माइल पाशा के घर की तलाशी लें, शायद हमें कोई इशारा मिल जाए। जैसे आपका हुक्म। अगर तुम्हें चलने में दुश्वारी हो रही है तो मत चलो, मैं आराम करने की कोशिश कर रहा हूं, तुम भी आराम से बैठ जाओ, तुम्हारी वजह से मेरे आराम में खलल पैदा हो रहा है। अगर तुम्हें यहां इतनी बेचैनी हो रही है तो ऐसे काम ही क्यों करते हो कि तुम्हें यहां पर आना पड़े? जिस तरह तकलीफ से चल रहे हो लगता है बहुत मारा है किसी। तुम्हें क्या मसला है? क्या तुम जानते हो कि तुम कितना बोलते हो? अगर अब तुमने एक लफ्ज भी कहा तो मैं काट के रख दूंगा तुम्हें। ये अल्फाज तुम जसों के मुंह पर नहीं जचते, तुम्हें आखिर किस चीज पर मान है? अपने पास मौजूद इस चाकू पर, तो चाकू चलाने के लिए तुम्हारे हाथ सलामत नहीं रहेंगे। खामोश हो जाओ, खामोश, यहां आओ और अपना कर्ज वसूल करो। भूल है तुम्हारी, तुम वो आदमी नहीं जो अशरफ अजीज का कर्ज अदा कर सके। अगर तुम अपने हाथ से ये चाकू गिरा भी दो तब भी मैं तुम्हारी गर्दन नहीं छोड़ूंगा, समझ गए तुम? उस्मान, उस्मान, क्या हुआ आसिफ? उस्मान, अशरफ अजीज साहब कहाँ है? उस्मान, अशरफ अजीज साहब? हाँ, वो आदमी जिसे हमने कल पकड़ा था, कहाँ है वो? अच्छा, तो उसका नाम अशरफ अजीज है, वो जिंदान में है, मैं उससे तहकीकात करूंगा, लेकिन पहले मुझे कुछ और काम है। आराम से उस्मान, आराम से, वो गैर रिवायती जंगों के माहिर हैं और हमें इस बारे में कुछ मालूम नहीं हो सका। तुम क्या बात कर रहे हो आसिफ? मैंने हसकोई थाने के कप्तान से मालूम किया है, वहाँ उनकी तस्वीर भी थी। कप्तान ने तस्वीरों को देखकर कहा कि ये अशरफ अजीज हैं। कप्तान ने मुझे बताया, इसीलिए मैंने चाचा से मालूम करने के लिए उन्हें टेलीग्राम भेजा है। फिर
उन्होंने कहा आप खुशकिस्मत हैं कि अशरफ अजीज ने आपको अब तक कत्ल नहीं किया। उस्मान, वो एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई हथकड़ी नहीं जो अशरफ अजीज साहब को पकड़ सके, कोई गोली उन्हें हलाक नहीं कर सकती। चलो आसिफ चलो, हमने इतने बड़े कमांडर को बिला वजह गिरफ्तार कर लिया, चलो जल्दी। बताओ किसके लिए काम करते हो तुम? तुम्हें किसने भेजा है? किसने भेजा है? अशरफ अजीज साहब, ये आपने क्या किया? मेरे बारे में कैसे जानते हो तुम? चाचा ने बताया। चाचा? खलील खालिद साहब ने। होटल का मालिक यहाँ है? क्या हो रहा है? होटल की मालिक मैं हूँ। कहीं हमें मालूम हुआ है कि यहाँ एक शख्स ऐसी अशातें फैला रहा है जिनमें हमारी रियासत और सुल्ताने मौज़म की तौहीन की जाती है। मालूमात के मुताबिक वो अकेले ही काम करता है, हम उसका नाम नहीं जान सके। आपके होटल और शहर के फलाह बहबूद के लिए हमें हर कमरे की तलाशी लेनी होगी। तुम दरवाजे पर रहना ताकि कोई फरार ना हो। मुझे आपकी मदद की जरूरत है। अगर सिपाही मेरे कमरे में दाखिल हो गए तो मेरा अंजाम बुरा होगा। हो सकता है कि आपके लिए उन ममनुआ इशारतों से जान छुड़वाने का बेहतरीन मौका। तुम यहां क्या कर रहे हो? क्या मेरे घर की तलाशी ले रहे हो? पाशा, तहखाने में कुछ संदूक मिले हैं, उनमें से एक ये भी है। इन सबको एक साथ जमा करके एक फहरिस्त बना लो जिसे हम सुल्तान मौसम को पेश करेंगे। जो आपका हुक्म पाशा। सुल्ताने मौसम, क्या कुछ ऐसा हुआ है जो आपको परेशान कर रहा है? हमेशा ही ऐसा कुछ होता है जो हमें परेशान करता है। हम अपने दुश्मनों की चालों के आदी हो चुके हैं, लेकिन अपने घर वालों की जानिब से ऐसी चालों की आदत नहीं हुई हमें। क्या कोई गलती, कोई कसूर हो गया है हमसे? सुल्ताने मौसम, शहजादे अब्दुल कादिर आपसे मुलाकात के मुंतजिर हैं। इजाजत हो तो उन्हें अंदर भेज दूं? इजाजत है। क्या अब्दुल कादिर से फिर कोई गलती सरजद हो गई है? क्या किया है आपने? अब्दुल कादिर ने सरेआम सड़क पर एक शख्स की पिटाई की। इन्होंने एक साबिक सिपाही पर तशद्दुद किया है। बताइए, क्या यह दुरुस्त है? आप ये कैसे कर सकते हैं? हमें ये बताएं कि आपने ऐसा क्यों किया। वजाहत है आपके पास? जी है।
हमें ऐसा लगा कि वो हमारा पीछा कर रहे हैं। आपकी वजह से हमें हर किसी पर शक होने लगा है। हमारा ताकुब करने वाला हर शख्स हमें आपका जासूस लगता है। ताकुब किया तो क्या हुआ? आपको उसे मारने का कोई हक नहीं है। वो हमारे सामने खड़ा हो गया, हाथ उठाने की कोशिश की। हम ना रोकते तो वो हमला कर देता। वो आपको नहीं जानता था बेटे। उस वक्त हम ये बात नहीं जानते थे। हमारी गलती है, गलतफहमी थी। अगर वो जासूस आपकी वालिदा ने भी भेजा तो क्या आप ऐसा ही करेंगे? आखिरकार वो आपकी हिफाजत करने की कोशिश कर रही है। हमने जो किया वो बिल्कुल गलत था, आपने ठीक कहा। लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमने ऐसा क्यों किया। वालिदा ने किसी को हिफाजत के लिए हमारे पीछे नहीं रखा, बल्कि ये जानने के लिए रखा है कि हम क्या कर रहे हैं और कहां जा रहे हैं। और सिर्फ हम ही नहीं, बल्कि हरम में मौजूद हर शख्स पर शक करने लगी हैं। किसी पर एतमाद नहीं है इन्हें। इन्हें हर वक्त बस यही लगता है कि जैसे कहीं से भी कोई गद्दार नमूदार हो जाएगा। ये खुद भी बेचैन है और सबको कर रही है। हम बस एहतियात कर रहे थे सुल्ताने मौसम। हमें हरम के मामलात संभालने वाले वफादार लोगों की तरफ से कोई शिकायत नहीं है। लेकिन ये एहतियात आप लोगों को परेशान कर रही है जो छुप कर काम करते हैं। लेकिन हमने कभी ऐसा कुछ नहीं किया वालिदा। बहुत हो गया, बस करें। हम फिर कभी आप दोनों से इस मसले पर बात करेंगे। इस वक्त हमारे पास इससे ज्यादा अहम काम है। आखिर आप बड़े कब होंगे अब्दुल कादिर? आपने खुद को बेकसूर साबित करने के लिए हम पर इल्जाम लगा दिया। हमारी शिकायत करके आपको आखिर क्या मिला? हमने पहले भी आपको खबरदार किया था, लेकिन आपने नहीं सुना। आपको अंदाजा भी है कि आप हमें किस मुसीबत में डाल रही हैं। शायद आप सुल्तान मौसम की बात सुन लें, इसीलिए उन्हें बताया। हमने ये अपने लिए नहीं किया, बल्कि आपके लिए किया है। लगता है हमें गलत खबर मिली थी, हमें कुछ ऐसा नहीं मिला। मुझे खुशी है कि हमारे होटल में रियासत के खिलाफ कोई भी काम नहीं हो रहा। मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। तलत साहब, जनाब करासू की पेशकश कबूल कर ले। यही एक रास्ता है जिसके जरिए आप अपने मकासद को हासिल कर सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं। सुल्तान अब्दुल हमीद खान मोहतरम, अपने हुजूर मुझे कबूल करके एजाज बख्शा आपने। बात को मुख्तसर कीजिए जनाब फर्नांडस। मैं कारखाना बेचना चाहता हूँ सुल्तान मौसम। हमें कारखाने की जरूरत ही नहीं है। मगर अकाबा रेलवे के लिए? इस बारे में भूल जाइए जनाब फर्नांडस। जनाब हेकलर से अपने ताल्लुक के बारे में बताइए। सुल्तान मौसम, जनाब हेक्लर मेरे पास आए और मुझे बताया कि वो कारखाना खरीदना चाहते हैं। उन्होंने बहुत अच्छी रकम की पेशकश की, लेकिन उस वक्त उनके पास वो रकम नहीं थी और उन्होंने मुझसे इंतजार करने का कहा। लेकिन मैंने उनसे कहा कि मैं इंतजार नहीं कर सकता और कारखाना आपको फरोख्त कर दूंगा। मेरे आपके पास आने से पहले वो दोबारा मेरे पास आए और दोबारा उन्होंने कुछ रकम की पेशकश की,
मगर मैंने वो कबूल नहीं की और जब उन्होंने मेरा महसूल अदा कर दिया तो मालूम हुआ कि उनके पास रकम है। मैं कारखाना आपको फरोख्त करना चाहता था मगर मैंने इरादा बदल लिया क्योंकि वो मुझे ज्यादा रकम की पेशकश कर रहे थे। यानी जब आपके पास कोई खरीदार नहीं है तो आप वो हमें बेचना चाहते हैं। सुल्तान मौसम, दरअसल मैं ज्यादातर कर्ज अदा कर चुका हूं, इसे फरोख्त किए बगैर ज्यादा मसला नहीं होगा, लेकिन ये पेशकश इसलिए कर रहा हूं ताकि रियासत और मेरे दरमियान ताल्लुकात बहाल रहें। ठीक है जनाब फर्नांडिस, हम अपनी पिछली पेशकश को एक चौथाई तक कम कर देंगे, ये हमारी नई पेशकश है। मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए होगा। कोई और खरीदार भी नहीं है। फिर भी मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए होगा ताकि मैं कुछ हिसाब किताब कर सकूं। इगवा वाला मामला एक तरफ, लेकिन किसी को मारने के बावजूद भी उनका आपको जिंदान से निकालना काबिले तारीफ है कमांडर। ऐसी बात नहीं है बेटा, रियासत को मुझ पर एतमाद है। आप लोगों ने अगवाकार को तो पकड़ लिया, लेकिन वो खुद कहाँ है? कहाँ है आर्तिन? हमने सोचा कि वो आपके पास है। अगर वो मेरे पास होता तो क्या यहाँ होता मैं? हम सिर्फ उसकी हिफाजत कर रहे थे, तब आप आकर उसे ले गए। आर्तिन के बारे में हमारे पास और कोई मालूमात नहीं है। मैंने उसे तुमसे छीना और वो मुझसे ले गए। ठीक है, उसे तलाश कर ही लूंगा मैं। चलो चलता हूँ। कमांडर, चाचा ने हुक्म दिया है कि हम आपके साथ रहें। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, लेकिन मुझे जरूरत नहीं। उसे मेरा सलाम भेज देना। चलो। अब्दुल हमीद को मारना बस एक ख्वाब है। और मेरे बनाए हुए बम से ये ख्वाब पूरा होगा, लेकिन बम की बात हम बाद में करेंगे। मेरी पहली तरजीह आदमियों का हुसूल है। हमें आदमियों को इकट्ठा करना होगा और उन्हें तरबियत देनी होगी, और उससे भी पहले तुम लोगों से कुछ कहना है। जो आर्तिन नामी उस शख्स को मारने में नाकाम रहे, और अब हद तो यह है कि वो आदमी कहां है ये किसी को भी मालूम नहीं है। इस बारे में तुमसे कुछ कहना चाहता हूं दोस्तों। अगर मैं पायतख्त में आने के बावजूद अब्दुल हमीद को कत्ल नहीं कर सका तो इसकी पूरी जिम्मेदारी तुम लोगों पर आयद होगी, और मैं तुम लोगों को बिल्कुल इसी तरह से एक साथ बांध दूंगा और फिर बम से उड़ा दूंगा। मैं अब्दुल हमीद के कत्ल की बात कर रहा हूं, लेकिन तुम लोग तो एक इंजीनियर को भी नहीं ढूंढ सके, और मुझसे कहते हो मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, हमने उसे कत्ल किया है। अब जाओ और उस आर्तिन नामी शख्स से मुकर्रर वक्त से पहले छुटकारा पाओ जो मैंने तुम्हें दिया, क्योंकि मैं अपने दिए हुए वक्त से एक मिनट भी आगे नहीं बढ़ता। समझ गए तुम? ज़करिया ने मुझे बेवकूफ बनाया। पहले तो उसने मासूम आर्तिन को मेरे सामने फेंक दिया, और जब देखा कि मैंने उसे नहीं मारा तो उसने आर्तिन को मुझसे छीन लिया। तुम जानते हो कि आर्तिन कहाँ है वहाब? मैंने आपको बताया था कि वो उसके पीछे आएंगे, खबरदार किया था कि उसकी अच्छी तरह हिफाजत कीजिएगा। जो हो चुका उसको भूल जाओ तो बेहतर है वहाब, जो पूछा है उसका जवाब दो। बग्गी वाले जाल में न फंसता तो वो उसे मुझसे कभी ना ले जा पाते। बग्गी जानता था मैं। मुझे बताओ वहाब। बैठ जाए, तफसील से बताता हूं आपको। जितने भी कोचवान हैं सब उसके ताबेदार हैं। बग्गियों का काम ज़करियान की मिल्कियत है, सब तनखदार उसके ताबेदार हैं। पायतख्त में बेशुमार लोगों से उसने इसी काम के जरिए जान छुड़ाई है, बंदरगाह हो या फिर कोई और कयाम का।
वो अपने शिकार को बग्गी में बिठाते हैं और फिर जादूगर की तरह उसे गायब कर देते हैं और शिकार को कुछ मालूम नहीं हो पाता। मैं समझ गया, जकरियान से बग्गी वाला काम छीनना पड़ेगा और आर्तन को तलाश करना है। तुम्हारा शुक्रिया। मोहतात रहिएगा आप। बम बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला मवाद मिला है। हैकलर की मौत से इसका ताल्लुक हो सकता है। यानी हैकलर को कत्ल करने का मंसूबा इस्माइल पाशा ने बनाया था। अखबार को जहरीली स्याही से छापा गया था और यकीनन उस आदमी ने सफा पलटते हुए अपनी उंगली को जबान से छुआ होगा। पाशा अखबार। विलियम को पाए तख्त आने की दावत दीजिए पाशा। उनसे कहें कि हम भी उनकी धुन सुनना चाहते हैं। कातिब जवाद साहब की मौत में भी आप ही का हाथ है। ज़ुल्फ़लु इस्माइल पाशा दूसरों पर इल्जाम लगाकर अपने आप को बेकसूर जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं। वो महल छोड़कर फरार हुए और इससे सब कुछ वाज़ह हो जाता है।